इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जीआई टैग्स ऑफ इंडिया लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ लेटेस्ट जीआई टैग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेटेस्ट जीआई टैग्स को सबसे पहले देख लेते हैं। इस लेटेस्ट जीआई टैग्स किसे किसे दिए गए हैं? टोटल 33 जीआई टैग्स दिए गए हैं। इसमें बिहार के एक प्रोडक्ट को दिया गया, यूपी के 10 प्रोडक्ट को, एमपी के एक प्रोडक्ट को, छत्तीसगढ़ के एक प्रोडक्ट को, तमिलनाडु के 11 प्रोडक्ट, लद्दाख के एक और जम्मू एंड कश्मीर के 8 प्रोडक्ट को दिया गया है। अभी जीआई टैक्स प्रदान किया गया है। तो इस तरह से इंडिया में टोटल 465 जीआई टैक्स हो गए। तो जीआई टैक्स, जीआई का मतलब होता है क्या है ये समझ लेते हैं। तो जी फोर होता है जियोग्राफिकल, आई फॉर इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया, इसी को कहते हैं हम लोग जीआई टैग। तो लेटेस्ट जीआई टैक्स को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि किसे किसे प्रदान किया गया है। तो ये तस्वीर शुरू करते हैं बिहार से। बिहार में ये मर्चा राइस को प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ में नागरी दुबराज राइस है, उसे यह प्रदान किया गया है। और मध्य प्रदेश के रेवा सुंदराजा मैंगो है, उसे प्रदान किया गया है। और ये वुड कार्विंग, जो लद्दाख की वुड कार्विंग है, जिससे कि लद्दाख सिंगोशक सिंगोस के नाम से जानते हैं, इसे भी प्रदान किया गया। अब स्टेट वाइज जीआई टैग्स को समझ लेते हैं किसे किसे दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बनारस का जो पान होता है, बनारसी पान, उसे दिया गया है। बनारस में जो लंगड़ा है उसे भी मिला है। रामनगर का भंटा, जिससे बैगन जो है उसे मिला है। आदमचीनी राइस है, उसे मिला गया। अलीगढ़ का ताला, उसे दिया गया है। बखीरा ब्रासवेयर को दिया गया है। नगीना वुड क्राफ्ट को दिया गया है। प्रतापगढ़ का आंवला को दिया गया है। और हाथरस के हिंग को भी प्रदान किया गया है। ये रहे इन सबकी तस्वीर। ये रहा बनारसी पान, ये रहा प्रतापगढ़ का आंवला, ये रहा रामनगर का भंटा, और ये रहा बखीरा ब्रासवेयर, अलीगढ़ का ताला, ये रहा लंगड़ा आम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट तमिलनाडु है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में किसे किसे प्रदान किया गया? तो तमिलनाडु में सबसे पहले जो प्रदान किया गया है उसका नाम है मनापड़ी मुरुक्कू। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है मनापड़ी मुरुक्कू। नेक्स्ट है मारथाडम हनी, मारथंडम हनी को दिया गया, ये रही जिसकी तस्वीर। नागमन कॉटन साड़ी को प्रदान किया गया है, ये रही नागमन कॉटन साड़ी की तस्वीर। मलाडी स्टोन को दिया गया है, मलाडी स्टोन कार्विंग को दिया गया है। और चुलवंतन पान का पत्ता, ये जो दिख रहा है ना, ये वटरी लई, इसे चुलवंतन पान का पत्ता हिंदी में पढ़ेंगे। और दूसरा है अथूर वटरी लई, ये अथूर पान का पत्ता इसे कहते हैं। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट को दिया गया है तमिलनाडु स्टेट से। नेक्स्ट स्टेट जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में किसे किसे दिया गया? तो बसोली पेंटिंग को दिया गया है, बसोली पश्मीना वुलेन प्रोडक्ट को दिया गया है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को दिया गया है, फिर दिया गया भदेरवा राजमा को दिया गया है, मुस्क बुदीज राइस को दिया गया है, उधमपुर कलाड़ी को दिया गया है, ये रही उधमपुर कलाड़ी की तस्वीर। रामबन सुलई हनी को दिया गया है, रामबन अनारदाना को दिया गया है। इन सब प्रोडक्ट को, ये सब प्रोडक्ट जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो किस राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है? तो मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था, वो है छत्तीसगढ़। कुछ और जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज एक एरोमेटिक राइस से वैरायटी है, इसे ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। और छत्तीसगढ़ के सीएम अभी कौन है प्रेजेंट में? भूपेश बघेल। और यहाँ के नए नए गवर्नर बने हैं, उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। इस सीरीज में नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो महाराष्ट्र के अलीबाग व्हाइट अनियन को जीआई टैग दिया गया है, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को भी दिया गया है, लद्दाख के रक्से कैप्रो एप्रिकोट को दिया गया है, बिहार के मिथिला मखाना को दिया गया है, असम के गोमोशा हैंडीक्राफ्ट को दिया गया है, तमिलनाडु के कादंगी साड़ी को दिया गया है, तमिलनाडु के ही पलानी पंचमिथम को दिया गया है, और गोवा के खोला चीली को दिया गया है, असम के काजू नेमू को दिया गया है, केरला के तिरूर बीटल लीफ को दिया गया है, तमिलनाडु के डिंडुगुल लॉक को दिया गया है, तमिलनाडु के ही नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम को दिया गया है, एक वाद्य यंत्र है। नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम एक वाद्य यंत्र है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका, इसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है। उसके बाद केरला की बारी आती है, जहाँ पे 35 जीआई टैग्स प्रदान किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश है 34 जीआई टैग्स के साथ, और महाराष्ट्र के पास 31 जीआई टैग्स है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसके अनुसार दिया जाता है? तो जीआई टैग दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। ये एक्ट कब फोर्स में आया था? तो 2003 में फोर्स में आया था। इसे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। नेक्स्ट, हु इश्यू जीआई टैग इन इंडिया? भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो जीआई टैग जारी करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो है वो जीआई टैग जारी करता है।
नेक्स्ट, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो जीआई टैग की समय सीमा होती है 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मार्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो वो राज्य है बिहार। बिहार राज्य के मार्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो मार्चा चावल क्या है? एक इंडिजीनियस राइस है बिहार का, जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। ये जो है ब्लैक पीपर की तरह दिखता है, और ब्लैक पीपर को बिहार में मिर्चा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम मिर्चा चावल पड़ गया है। तो और भी जान लेते हैं कि जीआई टैग बिहार के किस किस प्रोडक्ट को प्रदान किया जा चुका है अब तक। तो भागलपुर सिल्क को प्रदान किया जा चुका है, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा आर्ट, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट को भी दिया जा चुका है, सुजीनी एम्ब्रॉयडरी वर्क को दिया जा चुका है, भागलपुरी का जरदालू आम है भागलपुर का, उसे दिया जा चुका है, कतरनी चावल को दिया जा चुका है, मगही पान को भी मिल चुका है, शाही लीची जो बिहार का उसे भी मिल चुका है जीआई टैग, और मिथिला मखाना को भी दिया जा चुका है। ये रही मिथिला मखाना की तस्वीर। नेक्स्ट, किस राज्य की केंद्र शासित, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो वो स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बसोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। बसोली पेंटिंग के बारे में जान लेते हैं कि फेमस पहाड़ी मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग है ये, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का भी लेटेस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। तो जम्मू कश्मीर में और क्या क्या प्रोडक्ट है जिसे दिया जा चुका है? तो गुसी मशरूम को दिया जा चुका है 2021 में ही, सैफरॉन को भी मिल चुका है, और कश्मीर का जो पश्मीना होता है, वूल को कहा जाता है पश्मीना, उसे ही दिया जा चुका है। ये गुच्ची मशरूम बहुत ही महंगा होता है। हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो यूरोपियन कमीशन ईसी, उसने ही क्या किया है, कांगड़ा टी जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, उसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा प्रदान किया गया है। आगे और जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश से किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। तो लाहौली सॉक्स और ग्लोव्स को दिया जा चुका है, और भी कई सारे प्रोडक्ट है, जैसे कुल्लू सॉल को दिया जा चुका है 2004 में ही मिल चुका है, कांगड़ा टी को मिल चुका है 2012 में, हिमाचली चूली ऑयल को मिल चुका है। चूली ऑयल बहुत ही महत्वपूर्ण ऑयल है, जिससे लगाने से जो चेहरे की झुर्रियाँ ये सब क्लीन हो जाती है। हिमाचली काला जीरा को दिया जा चुका है 2019 में, चंबा रुमाल को दिया जा चुका है, कांगड़ा पेंटिंग को भी दिया जा चुका है जीआई टैग। नेक्स्ट, भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? तो पहला भारतीय उत्पाद जो था वो दार्जिलिंग टी था। तो दार्जिलिंग टी को सबसे पहले 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। वेस्ट बंगाल के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे और कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। तो सरभाजा एंड सरपुड़िया स्वीट्स को मिल चुका है, ये रही इसकी तस्वीर। सुंदरवन हनी को मिल चुका है, ये रही इसकी तस्वीर। फाजिल मैंगो को मिल चुका है, ये रही इसकी तस्वीर। और भी प्रोडक्ट है, जैसे दार्जिलिंग टी तो हो ही गया, पुरुलिया छऊ मास को दिया जा चुका है, बंगाल पता चित्रा को दिया जा चुका है, बंगला रसगुल्ला बंगाली रसगुल्ला को दिया जा चुका है, तौली पंजी राइस को दिया जा चुका है, गोविंदो भोग राइस को भी दिया जा चुका है। ये सब प्रोडक्ट कहाँ से? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, जिससे जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट, रिसेंटली ब्लैक राइस जिसे चक हो राइस कहते हैं, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? ये स्टेट है मणिपुर। तो मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, मणिपुर के और कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिल चुका है, जान लेते हैं। तो हाथी मिर्च को दिया जा चुका है, हाथी मिर्च, ये रही इसकी तस्वीर। हाथी मिर्च में सबसे ज्यादा विटामिन सी, कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। फिर है तमेंगलोंग ऑरेंज को दिया जा चुका है। तमेंगलोंग ऑरेंज के बारे में जान लेते हैं। तमेंगलोंग संतरा ये आकार में जो बड़ा होता है, और इसका एक संतरा का औसत वजन लगभग 232 ग्राम के आसपास होता है। यह मीठा और खट्टे स्वाद वाला संतरा होता है, ठीक है। इसमें स्कॉर्बिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ब्लैक राइस, जिसका मैंने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, ये रही ब्लैक राइस। और ब्लैक राइस जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, और ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौल आम उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं? तो रतौल आम जो उगाया जाता है बागपत और मेरठ में उगाया जाता है। नेक्स्ट, विच प्लेसेस पनियाला गॉट जीआई टैग?
पनियाला जो कि गोरखपुर से बिलोंग करता है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। पनियाला को तस्वीर में देख सकते हैं, ये रही तस्वीर पनियाला की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है, पहले ही मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, और जान लेते हैं। तो रतौल मैंगो को मिल चुका है, ठीक है, ये रही इसकी तस्वीर, रतौल मैंगो की तस्वीर ये रही। नेक्स्ट नेक्स्ट जो मिला है, अलाहाबाद सुरखा गुआभा को भी मिल चुका है, ये रहा सुरखा गुआभा, अलाहाबाद सुरखा गुआभा ये रहा। फिर है काला नमक राइस को मिल चुका है, कन्नौज परफ्यूम को मिल चुका है, महोबा पान को मिल चुका है, ये रही इसकी तस्वीर, और के मिल चुका है, खुर्जा पॉटरी को मिल चुका है, बनारस गुलाबी मीनाकरी क्राफ्ट्स को मिल चुका है, गोरखपुर का टेराकोटा को मिल चुका है, चुनार बलुआ पत्थर को मिल चुका है, ये रही तस्वीर इन सब की। नेक्स्ट, इन विच स्टेट कुरुपुर कलमकड़ी पेंटिंग एंड कलाकुरीची वुड कार्विंग हैव रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट के कुरुपुर कलमकड़ी पेंटिंग एंड कलाकुरीची वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग और तमिलनाडु के किस किस प्रोडक्ट को मिला है वो जान लेते हैं। तो वह है कुरुपुर कलमकड़ी पेंटिंग, तस्वीर में आप देख सकते हैं ऐसी ये तरह की तस्वीर। नेक्स्ट कन्याकुमारी क्लोव्स, ये रही कन्याकुमारी क्लोव्स की तस्वीर। नेक्स्ट कलमुरुची वुड कार्विंग, तो ये रही तस्वीर। स्पिंजी ब्रिंजल, ये रही स्पिंजी ब्रिंजल की तस्वीर। डिंडीगुल लॉक को भी मिला है, और नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम को भी दिया गया। नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम एक वाद्य यंत्र है, ये रही तस्वीर नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडीमा राइस वाइन जीआई टैग पाने वाला पहला पारंपरिक पूर्वोत्तर काढ़ा है, मतलब कि जुडीमा राइस वाइन एक प्रकार का शराब ही है जो राइस से बनता है, तो ये किस राज्य से ये बिलोंग करता है, तो ये राज्य है असम। तो असम के जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जुडीमा राइस वाइन जो है होममेड राइस वाइन है, और ये ट्रेडिशनल ब्रीव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, इसे ही सबसे पहले जीआई टैग मिला है इस तरह के प्रोडक्ट को। असम के और कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है उसे जान लेते हैं। तो असम के मोगा सिल्क को दिया गया है जीआई टैग, असम के ऑर्थोडॉक्स को दिया गया, एक प्रकार का चाय है ये, असम कर्बी एगलोंग जिंजर को दिया गया है, ठीक है, ये रही इसकी तस्वीर, असम कर्बी एगलोंग जिंजर। बोका चावल को दिया गया है, बोका चावल ऐसा चावल है जिसे पकाने की जरूरत नहीं होती, सीधा पानी में डालो और गुड़ के साथ खा सकते हैं आप। चोकुआ राइस को दिया गया है, जोहा राइस को दिया गया है, जुदीमा को दिया गया है, गमोशा को दिया गया है, और काजी नेमू को भी दिया गया है, और तेजपुर लीची को भी दिया गया है, तो ये रही तेजपुर लीची की तस्वीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट, इन गोवा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑब्टेन जीआई टैग रिसेंटली। तो गोवा में जो है मंडोली बनाना को दिया गया है लेटेस्ट जीआई टैग, ये रही मंडोली बनाना की तस्वीर। गोवा का और कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो पहला है खोला चिली हो गई, खोला चिली की तस्वीर हो गया। नेक्स्ट जो है हरमल चिली हो गई, हरमल चिली की तस्वीर हो गई। नेक्स्ट है मंडोली बनाना जिसे मैंने क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट है फेनी, फेनी को भी दिया गया, फेनी एक प्रकार का शराब है, इसे भी दिया गया है जीआई टैग जो कि गोवा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। तो गुच्छी मशरूम जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है इसे जीआई टैग दिया गया, ये रही गुच्छी मशरूम की तस्वीर। और ये गुच्छी मशरूम बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी कीमत लगभग 30,000 से 40,000 पर केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट के गुलबर्ग तुअर दाल को जीआई टैग दिया गया है। तो वो स्टेट है कर्नाटका, कर्नाटका के गुलबर्ग तुअर दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, कुर्ग अरेबिक कॉफी, इसे जीआई टैग दिया गया है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये स्टेट है कर्नाटका, ये भी कर्नाटका से ही बिलोंग करता है। कर्नाटका के और कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया उसे जान लेते हैं। तो गुलबर्ग तुअर दाल हो गया जिसे 2021 में दिया गया है, ये रही तस्वीर गुलबर्ग तुअर दाल की। नेक्स्ट है मैसूर बिटर लीफ हो गया, कुर्ग अरेबिक कॉफी हो गई, चिकमांगलूर अरेबिक कॉफी हो गई, बाबा बुंदगिरी अरेबिक कॉफी होगी, सिरसी सुपारी हो गई, इन सब प्रोडक्ट को कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ये सब प्रोडक्ट, और इसे जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, ये रही इसकी तस्वीर मैसूर बिटर लीफ की। नेक्स्ट, इदू मिसमी टेक्सटाइल रिसेंटली गॉट जीआई टैग। इदू मिसमी टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश की, इदू मिसमी टेक्सटाइल जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश के जो टोटल दो प्रोडक्ट है जिसे 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, एक है इदू मिसमी टेक्सटाइल और दूसरा है अरुणाचल ऑरेंज, इसे ही जीआई
जेटेक 2022 में प्रदान किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? खांसी मंदारिन भी दूसरा नाम है। ये रही तस्वीर, ये रही तस्वीर किसकी? अरुणाचल ऑरेंज की, और ये हो गई इदू मिस्मी टेक्सटाइल की तस्वीर। नेक्स्ट, अराकू वैली अरेबिका कॉफी, इसे जीआई टैग दिया गया है। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये स्टेट बिलोंग करता है आंध्रा से। आंध्रा से जो है अराकू वैली अरेबिका कॉफी बिलोंग करता है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश के और जो प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है, उसे एक नजर में देख लेते हैं। तो इटिको पक्का टॉयज को दिया गया, ये रही तस्वीर इटिको पक्का टॉयज की। नेक्स्ट, मछलीपट्टनम कलमकरी को दिया गया, ये रही इसकी तस्वीर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और तिरुपति लड्डू को दिया गया है। बंगा पल्ले मैंगोज को दिया गया, ये रही इसकी तस्वीर। कोंडा पल्ली बोमालू को दिया गया है। उदयगिरी वुडेन कार्विंग को दिया गया। धर्मावरण हैंडलूम पट्टू साड़ी को दिया गया है। ये एक ही लाइन में होना चाहिए, धर्मावरण हैंडलूम पट्टू साड़ी एंड पावदास को दिया गया है। ये है कुछ प्रोडक्ट जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिसे जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट, जीरा फूल, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो जीरा फूल जो है छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। जीरा फूल के बारे में जान लेते हैं क्या? तो जीरा फूल एक धान की किस्म है। ओके, छत्तीसगढ़ का और कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उसे जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जीरा फूल राइस हो गए, बस्तर ढोकरा हो गए, बस्तर आयरन क्राफ्ट हो गए, बस्तर वुडन क्राफ्ट हो गए, इन सब प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। ये रही इन सब की तस्वीर। नेक्स्ट, पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। पिथौरा पेंटिंग किस राज्य से बिलोंग करता है? तो पिथौरा पेंटिंग जो बिलोंग करता है गुजरात से बिलोंग करता है। ये रही पिथौरा पेंटिंग की तस्वीर। नेक्स्ट, और कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिल चुका है? तो जामनगर बंधनी को मिल चुका है, कच्छ शॉल को मिल चुका है, कच्छ एम्ब्रॉयडरी को मिल चुका है, पाटन पटोला को मिल चुका है, पिथौरा पेंटिंग को मिल चुका है, संखेड़ा फर्नीचर को मिल चुका है, सूरत जरी क्राफ्ट को मिल चुका है, गिर केसर मैंगो को दिया जा चुका है। ये रही गिर केसर मैंगो की तस्वीर। हरियाणा के किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है? तो हरियाणा के दो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल रहा है, एक है फूलकड़ी और दूसरा है बासमती। ठीक है, पंजाब के लिए भी ये सेम है, फूलकड़ी जो है राजस्थान में भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है? तो चिन्नौर राइस को मिल चुका है, झाबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट को मिल चुका है, बाघ प्रिंट को मिल चुका है, रतलामी सेव को मिल चुका है, और माहेश्वर साड़ी एंड फैब्रिक्स को मिल चुका है जीआई टैग, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, मेघालय में किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है वो जान लेते हैं। तो खासी मंदारिन को मिल चुका है, मेमोंग नारंग को मिल चुका है। ठीक है, ये रही इसकी तस्वीर। त्रिपुरा में किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है वो जान लेते हैं। तो त्रिपुरा से जो क्वीन पाइन एप्पल है उसे जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, ये रही तस्वीर। नेक्स्ट, और जान लेते हैं मिजोरम को और कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। ताल ताल हो पुआन को दिया जा चुका है, मिजो पुआनछेई को दिया जा चुका है, पौंडम को दिया जा चुका है, नगो टेकेर को दिया चुका है, हमड़म को दिया जा चुका है जीआई टैग, जो कि मिजोरम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, नागालैंड के किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है वो जान लेते हैं। तो नागा ककम्बर को दिया जा चुका है, ये रही नागा ककम्बर की तस्वीर। और दूसरा और भी प्रोडक्ट है जिसे दिया जा चुका है, चक से संग सॉल को दिया जा चुका है, नागा ट्री टोमेटो को दिया जा चुका है, नागा मिर्चा को भी दिया जा चुका है जीआई टैग। नेक्स्ट, जीआई टैग पुदुचेरी में किस किस प्रोडक्ट को दिया जा चुका है उसको जान लेते हैं। तो तिरुकनूर पाइपर मच्छे क्राफ्ट को दिया जा चुका है, और विलिनोर टेराकोटा वर्क को दिया जा चुका है जीआई टैग, जो कि पुदुचेरी से बिलोंग करते हैं। कौन कौन सा प्रोडक्ट है? तिरुकनूर पेपियर माचे वो क्राफ्ट और विलिनोर टेराकोटा वर्क्स, ये रही तस्वीर। नेक्स्ट, और राजस्थान के कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है? तो सोजत मेहंदी को दिया जा चुका है, कोरा डोरिया को दिया जा चुका है, ब्लू पॉटरी को दिया जा चुका है जयपुर से जो बिलोंग करता है, कठपुतलीज को दिया जा चुका है, मोलेला क्लेवर को दिया जा चुका है, बीकानेरी भुजिया को दिया जा चुका है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को दिया जा चुका है जीआई टैग, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, ओडिशा के कौन कौन से प्रोडक्ट को दिया गया है? तो ओडिशा के बोमकाई साड़ी को दिया जा चुका है, हाबसपुरी साड़ी को भी दिया जा चुका है, खंदुआ साड़ी को दिया जा चुका है, ओडिशा इकाट को दिया जा चुका है, ओडिशा पतचित्रा को दिया जा चुका है, संबलपुरी बंधा साड़ी को दिया जा चुका है, कंधमाल हल्दी को दिया जा चुका है, ओडिशा के रसगुल्ला को भी दिया जा चुका है जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट, तेलंगाना के किस किस प्रोडक्ट को दिया जा किया है उसे जान लेते हैं। तो पोचामपल्ली इकाट को दिया जा चुका है, निर्मल पेंटिंग को दिया जा चुका है, हैदराबादी हलीम को दिया जा चुका है, चेरियल पेंटिंग को भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करता है।
नेक्स्ट, झारखंड के किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है? तो सोहरी खोवर पेंटिंग को दिया जा चुका है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सोहरी खोवर पेंटिंग है, इसे जीआई टैग दिया जा चुका है। उत्तराखंड के प्रोडक्ट को देख लेते हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो उत्तराखंड के रिंगल क्राफ्ट को दिया गया है। रिंगल क्राफ्ट बनता कैसे है? तो बांस के रेशों से ये बनाया जाता है, ये रिंगल क्राफ्ट। उत्तराखंड के व्हाइट राजमा को दिया गया है। उत्तराखंड के तामता प्रोडक्ट यानी कि जो तांबा से बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसे दिया गया है। और उत्तराखंड के ही जो चिवड़ा ऑयल है, चिवड़ा ऑयल उसे दिया गया है। उत्तराखंड के थुलमा को दिया गया है। थुलमा एक प्रकार का दरी होता है, ठीक है, थुलमा क्या है, एक प्रकार का दरी होता है, ठीक है। इन सब प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उत्तराखंड से जो बिलोंग करता है। केरला के बारे में जान लेते हैं, केरला के किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो उदयूर चिली को दिया गया है, कुट्टी और टूर मैंगो को दिया गया है, स्क्रू पाइन क्राफ्ट को दिया गया है, पकोली राइस को दिया गया है, एलेप्पे ग्रीन कार्डमम को दिया गया है, ब्रास ब्रोइडर्ड कोकोनट सिल्क क्राफ्ट को दिया गया है, वजकुलम पाइनएप्पल को दिया गया है, कसारगोड साड़ी को दिया गया है जीआई टैग, जो कि केरला से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, और भी प्रोडक्ट है, कलाईपर राइस है, मरयूर जैगरी है, नीलम्बू टीक हो गया, कुथम पुल्ली धोतीज हो गए, और वायनाड जीरा खसला राइस, वायनाड जीरा खसला राइस को भी प्रदान किया गया है जीआई टैग, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे मैप के थ्रू मैंने दिखा दिया है कि जीआई टैग किस स्टेट में किस किस प्रोडक्ट को दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।